पहली बार आटा चावल पे भी जीएसटी लग गया, ऐसा तो कभी सुना भी नहीं था। हम लोग तो बचपन से सुने ही नहीं थे, मोदी सरकार में ही आके सुने कि जीएसटी होता है। बहुत दिक्कत है, पहले बड़ा सिलेंडर पे खाना बनाते तब छोटा पे बना रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम। सबसे पहले मोदी जी आए तो नोट बंद कर दिए, नोट बनते हैं तो सारा हिंदुस्तान को हिला दिए, उन्होंने कभी गरीब के लिए कुछ किया ही नहीं। बहुत सी दिक्कतें आ रही है, अब तो समझ में नहीं आ रहा है कि खाने में क्या क्या शामिल किया जाए, अब पता ही नहीं चल पा रहा है कि घर का बजट कैसे चलेगा। बिहार शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। देखिए जिस तरह से गरीबी बढ़ती जा रही है देश में, वो सबसे बड़ा भी मुद्दा हो चुका है। आपको बता दें कि आज़ादी के बाद पहली बार अनाज पे भी जो है जीएसटी लग गया है, उसको लेकर आप देख सकते हैं महिला विंग जो है जाप पार्टी की पूरी तरह से तैनात हो चुकी है गर्दनी बाग में। इनसे जानते हैं और बातें करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आती है वो महिलाओं को ही आती है, तो इनसे बातें करते हैं, जानते हैं कि क्या क्या दिक्कतें पैदा हो रही हैं। जिस तरह से जीएसटी लगा है अनाज वगैरह पे, पहली बार ऐसा हुआ है, आप महिला हैं, महिला को सबसे ज़्यादा पता होगा कि घरेलू काम सबसे ज़्यादा वही करती हैं, तो कितनी दिक्कतें आ रही हैं? बहुत सी दिक्कतें आ रही है, अब तो समझ में नहीं आ रहा है कि खाने में क्या क्या शामिल किया जाए, अब पता ही नहीं चल पा रहा है कि घर का बजट कैसे चलेगा। अभी जो कहीं पे कोई रोजगार आम आदमी एक कहीं नौकरी के लिए जाता है तो उसे 6,000 8,000 5,000 की भी नौकरी मुश्किल से मिल रही है, वैसी स्थिति में 1200 का सिलेंडर कहाँ से भराएगा और आटा और चावल और दूध कहाँ से खाएगा जो सब पे जीएसटी लग गया है। पहली बार आटा चावल पे भी जीएसटी लग गया। हाँ, पहली बार आटा चावल पे भी जीएसटी लग गया, ऐसा तो कभी सुना भी नहीं था। हम लोग तो बचपन से सुने ही नहीं थे, मोदी सरकार में आगे सुने कि जीएसटी होता है। आज जीएसटी के बारे में बच्चा जान गया है कि जीएसटी भी कोई चीज होता है जो जीएसटी टैक्स के रूप में वसूला जाता है हम लोगों से। अब कितना परेशानी आ रही है घर चलाने में जब से जीएसटी लगा? बहुत परेशानी आएगी, समझ में नहीं आता है कि इस बजट अपने बजट के हिसाब से इसको मेंटेन कैसे किया जाए। ठीक है, समझ में ही नहीं आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ना तो लकड़ी सस्ता है, ना कोयला सस्ता है, ना ये गैस इस तरह की हो गई बात, तो करेगा क्या आदमी, कैसे जिएगा? किचन का बजट हिला है पहले से? जी हाँ, बहुत ज्यादा हिला है। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? बहुत दिक्कत है, पहले बड़ा सिलेंडर पे खाना बनाते तब छोटा पे बना रहे हैं। सबसे बड़ा दिक्कत जी, दो तीन टाइम चाय पीते थे, अब एक टाइम चाय पी रहे हैं, बच्चों को दो टाइम दूध देते थे एक टाइम दूध दे रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम। सबसे पहले मोदी जी आए तो नोट बंद कर दिए, नोट बनते हैं तो सारा हिंदुस्तान को हिला दिए, उन्होंने कभी गरीब के लिए कुछ किया ही नहीं। नोटबंदी में तो बोले थे पूरा काला धन आएगा, कहाँ आया? किसी को जीरो बैलेंस का अकाउंट खोले तो कभी उन्होंने पैसा भी नहीं डाला, तो सब मुनी की वजह से हुआ है ना सारा जो है, सब जीएसटी का खेल, सब जीएसटी का। बच्चों को पढ़ाने में भी प्रॉब्लम है, एजुकेशन पे भी बढ़ चुका बिल्कुल। अब एक आदमी कमाएगा 10,000 12,000 तो कैसे मेंटेन करेगा, ये भी तो सोचो। सब पैसे वाले लोग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मिडिल क्लास है या उनसे भी नीचे, उनके लिए तो बहुत कह रहा है, वो लोग तो खाने खाने के लिए लोग मर रहे हैं। सबसे ज्यादा मिडिल क्लास को दिक्कत हो रही है, उसके नीचे तक जी सबसे ज्यादा मिडिल क्लास वाले लोग बहुत दिक्कत है। कम से कम जिस तरह पहले 600 में सिलेंडर मिलता था, अब वो बिल्कुल जस्ट 1200 का कर दिया है, तो ये तो बहुत गलत है ना। अब 1200 मेरे पास रहेगा तभी तो मैं भराऊंगी, तो 1 kg भरा के काम करती हूँ। तो देखिए सबसे ज्यादा दिक्कतें जो है महिलाओं को ही होती है, आप देख सकते हैं पूरी महिलाएं जो है यहाँ पे आ चुकी हैं। जिस तरह से महंगाई बढ़ा हुआ है, सबसे ज्यादा जो है दिक्कत महिलाओं को हो रही है। किचन का बजट हिल चुका है, आप देख सकते हैं पप्पू यादव सहित पूरी महिला टीम जो है पप्पू यादव की यहाँ पहुँच चुकी है, महंगाई के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है सरासर गलत है, सरकार को इस पर ध्यान में देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बजट हिला है किचन का ही हिला है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।